हमीरपुर जनपद के चेकासी थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व कक्षा 6 की छात्रा से दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने छात्रा के पड़ोसी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच हेयर बैंड को लेकर विवाद के बाद किशोर ने लिंच से गला दबा कर हत्या कर दी थी। छात्रा के अर्धनग्न शव को देख दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम में दुष्कर्म न होने की बात सामने आई। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि उक्त मामले में एक सैकड़ा व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस को मृतका के पड़ोसी करण सिंह के नाबालिग पुत्र पर शक हुआ। शक के कारण उसकी नाक के पास चोट व घुटने के पास घर्षण का निशान था। गहनता से पूछताछ पर उक्त 14 वर्षीय किशोर ने अपना जुर्म कबूल लिया। थाना चिकासी में 22 तारीख को एक 12 वर्षीय बालिका की हत्या कर दी गई थी। बॉडी उसके घर के अंदर से ही बरामद हुई थी और कुछ वेपन ऑफ ऑफेंस भी वहां से मिले थे। इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अथक प्रयास करते हुए लगभग 100 से 150 लोगों से दिन रात पूछताछ की गई, जिसके क्रम में आज इसमें जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी जो है उस मृतका का रिश्ते में जाना लगता है और इसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। इसका एक मामूली सा विवाद हुआ था एक हेयरपिन को लेके, जिसके बाद मृतका ने इस पर वहीं पास में पड़े एक रॉड से हमला करने की कोशिश की थी, जिसको इसने रोका और बगल में पड़े एक रिंच से फिर मृतका के सर पे वार किया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बॉडी को इसने घर में ही अंदर कमरे में डाल दिया था। पूछताछ में इसने ये सारी बातें कबूल ली और इस पर संदेह इस प्रकार से उत्पन्न हुआ क्योंकि इसके शरीर पर कुछ चोट के निशान मिले थे, जिसका कि ये सही उत्तर नहीं दे पा रहा था कि कैसे ये निशान है। इस घटना को 48 घंटे के अंदर वर्कआउट करने के लिए जो हमारी टीमें लगी थी, मुख्यतः स्वॉट टीम, थाना चिकासी, थाना राट, थाना जरिया की टीम, इनको 15,000 रुपये का इनाम मेरे तरफ से दिया गया। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए सुनील राजपूत की रिपोर्ट।